Makeover Family Saloon, hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, cleanup. पता सिविल लाइन चौराहा यूनियन। कहते हैं कि अगर किसी भी काम में पूरे जी जान से जुट जाओ तो सफलता जरूर मिलती है। एमपी के बालाघाट में रहने वाले युवा किसान ने बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया और अब खेती के बाद सालाना लाखों रुपए की आय भी हो रही है। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बारा सिवनी तहसील के दिनी गांव के युवा किसान तामेश चौधरी ने अपने पिता पोतन लाल चौधरी और चाचा के मार्गदर्शन में लौकी, मूंग, बरबटी और ककड़ी जैसी फसलों को उगाया, जिससे अब अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। वर्तमान में लौकी के तकरीबन 4000 पौधे लगाए हैं, जिसमें हर पौधे से औसतन 10 लौकी मिलती है। एक एकड़ में लगभग 70 से लेकर 90 क्विंटल तक इसका उत्पादन हो जाता है। अकेले लौकी से ही साल भर में 1 लाख रुपए तक की आय हो जाती है। अच्छा, ये आपके यहाँ पर लौकी की जो खेती है, ये कितने एकड़ में लगाई गई है? ये 5 एकड़ में लगाई हुई है। अच्छा अच्छा, आप युवा के साथ पढ़ाई के साथ साथ में खेती भी कर रहे हैं? हाँ भैया। तो जिससे आपको आमदनी लगभग कितनी हो जाती है? ये 1 लाख रुपए मान के चलिए, 1 से 2 लाख रुपए लगभग, एक मतलब सिर्फ लौकी के ऊपर ही। अच्छा, बाकी मैं धान भी लगाता हूँ, गेहूँ भी लगाता हूँ और चीजें भी लगवाते हैं, जैसे मूंग लगी हुई है आप मेरे देखिएगा, और बरबट्टी लगा हुआ है। अच्छा, अभी ये जो अभी वर्तमान में लौकी लगी है, हाँ। तो ये लौकी लगभग कितने का आपको, यानी कितने हेक्टेयर में लगी हुई है आपके यहाँ पर? ये 1 हेक्टेयर के आसपास में लगी हुई है। अच्छा, जिससे मुझे आमदनी इसकी लगभग 2 लाख रुपए होगी। अच्छा, और इसके बाद में जैसे लौकी समाप्त होने के बाद में कौन सी फसल लगा? धान लगा लेंगे, जो पैतृक हम लोग कर रहे हैं वही चीज। धान के बाद में क्या लगाऊंगे? फिर गेहूं के बाद में फिर ये जो से अपना गेहूं लौकी है वही लगवाएंगे। अच्छा, तो ये आप साइकिल बना हुआ है जिससे हमें आमदनी अच्छी हो। आप युवा शक्ति को क्या जानकारी दें भैया? अगर से मैं चाह रहा हूँ कि युवा शक्ति को भी करना चाहिए आगे में इस चीज में, क्योंकि आज पढ़ाई के साथ साथ आज जो संस्थान है, जो एग्रीकल्चर संस्थान है, वो सिर्फ एक ऑफिसर बना रहा है, ना कि कोई किसान बना रहा है। आज जो बड़े बड़े विश्व संस्थान है वो सिर्फ एक ऑफिसर को पैदा करते हैं, जो सिर्फ जाके ऑफिस में बैठते हैं। कोई ऑफिसर आके यहाँ देखता नहीं, मुझे आज तक देखा ही नहीं। मैं कहूँ तो 10 ऑफिसर आप मेरे को देखने नहीं आते। सिर्फ ये लोग सिर्फ अपने कमरे में जाते हैं, बैठे रहते हैं, और फिर ये सिर्फ अपने कमरे में बैठ के सिर्फ आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे। ठीक ठीक, तो आप यानी युवा शक्ति को यही चाह रहे हो कि ये भी कृषि की ओर बढ़े? ठीक। अच्छा, आप मुझे ये भी जानकारी लगी कि आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी आप उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। ये तो पिताजी का ही कहना था और मेरा भी खुद का सोच था कि भैया किसानी में जो फायदा है वो किसी चीज में नहीं है। इवन एक नौकरी उसके सामने फेल है, इतना मतलब इसमें स्कोप है। अब अगर से हम लोग करेंगे तो फिर सफल कौन लाएगा? सब नौकरी करेंगे तो फसल कौन लाएगा? बालाघाट से पंकज देहरवाल, सागर टीवी न्यूज। Makeover Family Saloon, hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, clean up. Pata, Civil Line Chauraha, Union.